नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8th का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ और इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और आई होप कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, क्लास 8th में SST की तीन बुक्स हैं, ये आपको पता होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस। जो हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं ये थोड़े लेंथी भी हैं और थोड़ा समझने में भी मुश्किल हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये चैप्टर थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा। क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना मुश्किल होगा, तो हम इसको दो या तीन पार्ट में बनाएंगे और आप ये सारे वीडियो देखिए और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये जो चैप्टर है इसमें हम हिस्ट्री की जो बुक्स लिखी जाती हैं या हिस्ट्री लिखी जाती है वो किस तरह से लिखी जाती है और उसमें क्या चीज़ें हम करते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उन सब के बारे में ये चैप्टर है। तो नॉर्मली हिस्ट्री में जो हम देखते हैं वो यही देखते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, और उसी को हम हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंशियंट टाइम से ही हिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेट। मतलब जहाँ भी अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो देर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स। फैसिनेटेड का मतलब होता है कि हिस्टोरियन वर वेरी इम्प्रेस्ड, एक तरह से हिंदी में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, मंत्रमुग्ध, यानी कि जितने भी इतिहासकार हुए हैं वो सब इतिहासकार हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो देते हैं वो डेट्स को देते हैं, इसलिए इसको कहा गया कि फैसिनेटेड विथ डेट्स। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फाउट। और अगर हम हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो ज़्यादातर जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें ये लिखा गया है कि कौन सा राजा, मतलब कब राजा बना, उसने कौन से लड़ाइयाँ लड़ी, कब उसने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया, अटैक किया, और उसके ऊपर कई तरह के डिबेट भी होते हैं, बैटल्स पर जो है सिनोनिम्स डेट्स की क्या रही, ये सारी चीज़ें उस पर ऊपर आपस में डिबेट होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। तो हिस्ट्री में मेनली जो है डेट्स का ही जिक्र किया हुआ होता है, तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन अब कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस द अकर ओवर टाइम। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री है क्या, तो हिस्ट्री में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि ओवर अ टाइम, जो टाइम पिछला बीत गया उसमें कितना क्या चेंज हुआ है। हिस्ट्री में साइंस भी है, हिस्ट्री में आप देखिए पॉलिटिक्स भी है, हिस्ट्री में ज्योग्राफी, सब कुछ हिस्ट्री में हम शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से चीज़ें धीरे 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 बदली, कैसे कस्टम बदले, कैसे कल्चर बदली, कैसे साइंस बदली, कैसे टेक्नोलॉजी बदली, तो वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में शामिल हो जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, कि पास्ट में जो चीज़ें हैं वो किस तरह की थी और किस तरीके से चीज़ें अभी जो है वो बदल गई हैं, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। एज सुन एज वी कम्प्लीट द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। और हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि पहले ये सब चीज़ें हुई, बिफोर यानी कि पहले ये ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, ये सिविलाइजेशंस थी, इनका ये कल्चर था, ये कस्टम था, तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में इस तरीके से इनको स्टडी करते हैं। आगे हम देखें कि लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वाट वी सी अराउंड अस, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड As if what we see has always been in the world we inhabit, but most of us have our moments of wonder when we are curious
एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली और हिस्टोरिकल. यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस. अब जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हर समय हम हिस्ट्री के बारे में नहीं सोचते हैं या हर चीज़ के की हिस्ट्री हम नहीं पूछते हैं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप चेयर पे बैठे हो तो कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता है कि यार कि चेयर कैसे बनी होगी, कब इसने सबसे पहले कहाँ इसका इन्वेंशन हुआ होगा, कैसे ये इसने चेंज किया. तो हर चीज़ कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के हिस्ट्री के बारे में हम नहीं सोचते हैं. जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम जो हमारी बड़ी बड़ी जो इंसिडेंट हुए हैं, बड़े जो इवेंट हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम सोचते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कभी एरोप्लेन देखते हैं या कभी आप ट्रेन देखते हैं तो उनके बारे में हम सोच सकते हैं कि यार ये जो ट्रेन है या ये जो एरोप्लेन है सबसे पहले कहाँ बना होगा, कैसे शुरू हुआ होगा, इन सब के बारे में. लेकिन हर चीज़ की हिस्ट्री को हम नहीं देखते हैं तो इसका भी हमें ध्यान रखना है. मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. वॉचिंग सम सिप अ कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल शेल्फ में वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वी वर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर द लार्ज ऑफ रेलवेज. रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गोट टू हेयर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड. यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आ सकती हैं. लेकिन हिस्ट्री में हर चीज़ को नोटेड नोट करना कि जो कुछ भी पहले हुआ उस सबको हम लिख दें या कहीं उसका हमारे को एविडेंस मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो जो हम करते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हुई हैं, इंसिडेंट हुए हैं, उन्हीं को नोट किया जाता है और वही हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है. अब हम आगे देखते हैं कि ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू notions of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. अब एक चीज़ और आपको यहाँ नोट करनी है कि जब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में हमेशा हम किसकी बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं या डेट की बात करते हैं. लेकिन यहाँ डेट का मतलब ये नहीं है कि आप हर महीना दिन पर्टिकुलर टाइम हम हिस्ट्री के अंदर नोट कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. कभी कभी यार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी ऐसी घटना होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. हम उसका ईयर लिखते हैं कि भाई इस फला जब से 1857 की क्रांति है, एग्जैक्ट टाइम क्या रहा होगा, क्या डेट रही होगी, इतना हम उसके बारे में श्योर नहीं हैं. लेकिन ईयर हमें पता है कि 1857 में, या वो मंथ पता है कि इस मंथ के अंदर ये सब चीज़ें हुई होंगी और ऐसा हिस्ट्री में हुआ है. तो ये प्रिसाइज जो टाइम है वो हर जगह हर समय नहीं बताया जा सकता. पीपल इंडिया डिड नॉट बिगेन ड्रिंकिंग. अब जैसे फॉर एग्जांपल इसने दिया है कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, इसका कोई फाइंड डेट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि चाय जो है वो भारत का नहीं है. ये एक जो ड्रिंकिंग पेय है ये या पेय पदार्थ है ये जो है वो बाहर से आया, चीन से आया और चीन से यूरोप होता हुआ, यानी कि यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स हमारे देश में इसको लाए. तो दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट ऑफ प्रोसेस सच एज दिस. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड. और आप ये भी नहीं कह सकते कि किस पर्टिकुलर डेट से भारत में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो गया. धीरे धीरे बढ़ा, अलग अलग घटनाएँ हुई, अलग अलग इंसिडेंट हुए और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो ब्रिटिश रूल हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश हो गया. और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम. हम एक स्पैन ऑफ टाइम बता सकते हैं, एक ड्यूरेशन बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में हुआ होगा, इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ होगा. एन अप्रॉक्सीमेट ऑफ पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल. Why then do we continue to associate history with a string of dates? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम कोई precise date ही नहीं बता सकते तो फिर हम dates पर इतना focus क्यों करते हैं? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and a big events. एक time था जब history का मतलब ही यही था कि कौन से लड़ाइयाँ कब हुई, कौन सा राजा कब जो है वो crown उसने पहना या वो कब उसने रूल शुरू किया, यही सब चीज़ें हिस्ट्री मानी जाती थी. लेकिन इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड,
द ईयर ही टॉट, द पर्टिकुलर ईयर ही फॉट, द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेडेड टू द थ्रोन। तो कहने का मतलब यह है कि एक समय ऐसा था जब हिस्ट्री का मतलब सिर्फ यही था कि कौन सा राजा कब राजा बना, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, उसने कौन सी लड़ाइयाँ जीती, कब उसकी जगह दूसरा राजा आ गया। फॉर इवेंट सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड द हिस्टोरियन सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि ये जितने भी इंसिडेंट हुए राजाओं के, उनकी हम डेट प्रिसाइज कर सकते थे, इसलिए हिस्ट्री में डेट्स की इतनी इम्पोर्टेंस हो गई कि बिना डेट के हम हिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारे सामने एक परसेप्शन आ गया, एक ऐसी धारणा बन गई। तो बच्चों थोड़ा चैप्टर मुश्किल है, इसको थोड़ा इजी भाषा में समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ यही चीज़ हमने डिस्कस की है कि हिस्ट्री में डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है। दो तीन बातें मैं कंक्लूजन के फॉर्म में यहाँ पर बता रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि हिस्ट्री में डेट्स इम्पोर्टेंट है, और डेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना डेट्स के हिस्ट्री लिखी नहीं जा सकती। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम डेट्स की बात करते हैं तो कोई प्रिसाइज डेट नहीं होती, और हर चीज़ की डेट हम डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है कि भारत में चाय कब पीना लोगों ने शुरू किया, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर डेट को लोगों ने चाय पीना शुरू किया, या भारत में ब्रिटिश रूल कब एस्टेब्लिश हो गया इसकी कोई पर्टिकुलर डेट हम नहीं बता सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठा कि क्यों फिर डेट्स इंपॉर्टेंट हुई, इसलिए हुई कि शुरू में जो हिस्ट्री लिखी गई वो राजाओं पे लिखी गई, ज़्यादातर राजाओं के बारे में ही बताया गया, और जब राजाओं के बारे में बताया गया तो उसमें डेट्स मेंशन की गई कि ये राजा इस समय ये राजा बना, फिर इसने ये लड़ाइयाँ लड़ी, फिर इसकी जब शादी हुई, फिर ये मर गया, इसकी डेथ हो गई, उसके बाद इसका दूसरा बेटा या कोई भाई राजा बना, वो डेट क्या थी। तो इस तरीके से डेट्स क्या हो गई, धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट हो गई। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इसमें स्टडी करते हैं वो हमारा आता है विच डेट्स, कि कौन सी डेट्स के बारे में हम ज़्यादा पढ़ें, कौन सी डेट्स के बारे में। इसमें एक पैराग्राफ और हमारा रह गया कि एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट टू ईयर्स हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ देयर अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चंस। लेकिन अब जो हिस्ट्री की बुक्स आ रही हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हिस्ट्री में साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, पॉलिटिक्स भी है, हर चीज़ अब हिस्ट्री में आई है, तो फिर धीरे धीरे हिस्टोरियंस ने जिन्होंने हिस्ट्री लिखी वो उन्होंने अपना जो वे ऑफ राइटिंग है वो चेंज किया, और डेट्स की इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी चेंज हो गई। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, अब खाली डेट्स के बारे में नहीं लिखा गया, ये लिखा गया कि पहले लोग किस तरह से अपनी लिवलीहुड कमाते थे, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड क्या वो प्रोड्यूस करते थे, क्या वो खाते थे, क्या उनका कल्चर था, क्या उनका कस्टम था, ये सारी बातें भी हिस्ट्री में धीरे धीरे लिखी जाने लगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि विच डेट्स, कि अगर हम डेट्स की बात करें तो कौन सी डेट्स हम लें। तो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, द डेट्स वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। यहाँ एक ज़रूरी बात समझने की ये है कि डेट्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इम्पॉर्टेंट डेट तब हो जाती है जब उस डेट पर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो घटित हो जाता है। डेट्स तो आती हैं, टाइम है वो तो हर दिन आ रहा है, तो हर डेट हर दिन आ ही रही है, लेकिन हम पर्टिकुलर डेट को याद रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम 13 अप्रैल 1919 को याद रखे हुए हैं, या 23 मार्च जो है 1923 जब भगत सिंह को फांसी लगी, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है बट डेट है 23 मार्च है, तो ये डेट है, या 13 अप्रैल 1919 है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मैसेसर हुआ, वो डेट हमें याद है, या 15 अगस्त 1947 है, 15 अगस्त 1947 है, वो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गई क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, या 26 जनवरी 1950 है जब भारत देश में संविधान लागू हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई कि उस दिन कोई खास घटना हुई है। तो यहाँ पर लिखा है विच डेट, तो डेट के हिसाब से हम हर डेट को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हर डेट को हम हिस्ट्री में नहीं लिख रहे हैं, कोई भी डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई कि उस डेट को कोई खास इंसिडेंट हुआ है, कोई खास इवेंट हुआ है। तो हम यही कह रहे हैं कि दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट, इट इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस वी इफ वी बिगेन टू लुक एट न्यू इशूज अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। तो जैसे जैसे नए इंसिडेंट आते जाएंगे नई डेट्स इंपॉर्टेंट होती जाएगी। Consider an example in the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important.
अब ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी उनकी हिस्ट्री के हिसाब से उनके जितने भी गवर्नर जनरल हुए वो सारे इम्पोर्टेंट थे। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जो भारत का था वो था वॉरन हॉस्टिंग्स और जो लास्ट गवर्नर था वो था वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स गवर्नर जनरल्स। कुछ और इम्पोर्टेंट जो गवर्नर जनरल हुए जैसे कि वेल्सले, बेंटिंक, डलहोजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे गवर्नर जनरल हुए इंडिया के अंदर और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने टाइम पे की। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसके टाइम पर भारत आज़ाद हुआ, कर्जन जो है इसके टाइम पर बंगाल का विभाजन हुआ, डिवाइड हुआ, और भी बहुत सारी हैं, इरविन का गांधी के साथ एक पैक्ट हुआ। तो ये जो गवर्नर जनरल हैं ये हिस्ट्री में इनकी अपनी इम्पोर्टेंस हो गई। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज, टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इन गवर्नर जनरल्स ने अपने टाइम पर जो कुछ भी किया, जो खास खास इन्होंने काम किए, उनको उनकी डेट के साथ हमने नोट कर लिया और वो क्या बन गई, हमारी एक हिस्ट्री बन गई। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उनके टाइम पर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए उनको हमने एक लिख लिया। क्रोनोलॉजी, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है बच्चों, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि जो ये गवर्नर जनरल आए उनके टाइम के हिसाब से कि किस सन में कौन सा गवर्नर जनरल आया उसको हमने नोट किया, वो क्या हो गई, इसकी क्रोनोलॉजी हो गई। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। अब ये जो हिस्ट्री गवर्नर जनरल्स की ब्रिटिशर्स ने लिखी, क्या हम इसको किसी और तरीके भी से लिख सकते थे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। वैन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इन टू चैप्टर्स। जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपकी बुक ही है, इसको बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पर क्या क्या इंसिडेंट हुए उसको हमें अलग अलग टाइम के हिसाब से ही रीड करना है, पढ़ना है। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। इट इज़ सो टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। कोई भी जब हिस्ट्री की हम बात लिखते हैं तो बहुत कुछ हुआ है इस संसार में, इतने साल हो गए, तो क्या हर चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्या हर चीज़ को हिस्ट्री में लिखा जाता है? न तो उसकी रिक्वायरमेंट है, न ही वो पॉसिबल है। जो चीज़ ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कर सकती है, जिसका ह्यूमन लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस हो सकती है, उन इंसिडेंट्स को ही हिस्ट्री में लिखा जाता है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इन द स्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। अब गवर्नर जनरल की हिस्ट्री लिखी गई, मान लीजिए इंडिया के अंदर कितने गवर्नर जनरल हुए ब्रिटिश राज में, उनके बारे में हिस्ट्री में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ हमने हिस्ट्री में लिख दिया। उन्होंने कोई स्पेशल रूल बनाए, कोई स्पेशल कानून बनाए, कोई स्पेशल बिल्डिंग बनाई, कुछ और उन्होंने कोई इवेंट किया, उसी को हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में नोट करेंगे। व्हाट देन वी डू, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंट दे अर्लियर हैड। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नाउ। तो हमने जो बाद में जाकर के हिस्ट्री में लिखा तो क्या लिखा कि दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। कोई भी जो इंसिडेंट्स हैं जो धीरे धीरे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो उसी के हिसाब से हिस्ट्री के डेट्स की इम्पोर्टेंस भी चेंज हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 जो है भारत आज़ाद हुआ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, बहुत बड़ा इंसिडेंट था। लेकिन जब 26 जनवरी को 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने कंट्री में लागू किया, उसको एनफोर्स किया, तो ये 26 जनवरी 1950 जो है वो उससे ज़्यादा थोड़ी बेटर और थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई।
तो इस तरीके से डेट्स जो है वो कोई भी इन्वेंशन हुआ, मान लीजिए कि पहले एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया, बाद में उसमें और कुछ इम्पोर्टेंट हो गया तो वो इन्वेंशन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो डेट्स की इम्पोर्टेंस जो है, नए जो कोई भी घटनाक्रम या इंसिडेंट होता है उससे भी वो चीज़ चेंज हो जाती है, इसको भी हमारे को ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू वी पीरियडाइज। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी है कि किस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। तो हाउ डू वी पीरियडाइज, जेम्स मिल एक ब्रिटिशर्स हुए हैं, स्कॉच इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। उन्होंने पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क उन्होंने लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसमें पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको उन्होंने हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश में बांटा। देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन आता है कि जो जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री को बांटा वो किस सेंस में बांटा, तो वो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के तौर पर उन्होंने डिवाइड किया। और क्या ये सही था, तो हमें कहते हैं कि बिल्कुल सही नहीं था, कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन और एक जिसे हम कहते हैं कि कोई कम्युनिज्म को मानते हुए कम्युनिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की, दैट इज़ नॉट करेक्ट। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री। तो एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, वो हम डिस्कस करेंगे। Why do we try and divide history into different periods? We do so in attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. अब history को divide करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत लंबा period हो जाता है। अब हमें एक थोड़ा सा classification करना होगा कि कौन से time तक हम किस चीज़ को अपने उसमें space देंगे। तो हमने बेसिकली हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ, एंशेंट, मिडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अदरवाइज हिस्ट्री को पढ़ना जो है बहुत मुश्किल होगा। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पैराडाइज, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, बिकम इम्पॉर्टेंट। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। और उसमें हमारे को ये भी पता चल जाता है कि भाई किस तरीके से एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंजेस हुए हैं। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में जो टाइम है उसको बांटा गया हुआ है सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, इस तरीके से। तो वैसे ही हिस्ट्री को भी अलग अलग टाइम्स में डिवाइड किया हुआ है, वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम डिवाइड करते हैं कि एक जैसे फीचर्स वाले टाइम को हम एक पीरियड में रख लेते हैं और अलग फीचर्स वाले जो टाइम है उसको एक अलग पीरियड में रखा जाता है। मिल थॉट दैट द ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। अकॉर्डिंग टू इट्स हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट्स रूल द कंट्री, रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, कास्ट टैबूज था। टैबू, कास्ट टैबू का मतलब लोग कास्टिज्म बहुत ज़्यादा करते थे या कास्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड। ये सब जेम्स मिल ने कहा कि सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेट थी सोशल लाइफ, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। और ब्रिटिश मिल ने ये फील किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वही इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। और जेम्स मिल ने इस बात पर फोकस किया कि इंडिया में जो है यूरोपियन आर्ट्स है, मैनर्स है, ये सारे हमको इनको सिखाने चाहिए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्वर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया। और उसने ये भी सुझाव दिया कि ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया को अपने रूलिंग सिस्टम में ले लेना चाहिए, और जिससे कि वो इंडियंस को ज़्यादा हैप्पी और एनलाइंट कर सके। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, एंड इट वॉज द परसेप्शन ऑफ जेम्स मिल दैट इंडिया कैन नॉट ग्रो विदाउट हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स की जो ये मिल मानता था कि ब्रिटिशर्स के बिना, ब्रिटेन के बिना भारत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड। ये सब बातें मिल नहीं कही। अब हम ये कहेंगे क्या इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं
कि इंडिया का जो प्राचीन इतिहास है, जो एंशेंट हिस्ट्री है, वो हमारी बहुत ज़्यादा ग्लोरियस रही है और भारत विश्व गुरु रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत ज्ञान के ग्रंथ लिखे गए हैं, तो मिल की बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन एनी केस, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम्स? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली? अब जो मिल ने कहा, ये इसी क्वेश्चन का आंसर भी हम लिखते हैं कि जो मिल ने कहा वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक फेथ के टाइम दूसरा फेथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि क्या जब हमारे देश में मुस्लिम्स का रूल था तो हिंदू नहीं थे, या जब ब्रिटिश आ गए तो हिंदू और मुस्लिम नहीं थे, वो सब थे। तो ब्रिटिश, तो जेम्स मिल की इस थ्योरी को हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते। वाई शुड वी करेक्टराइज एज एन एज ओनली थॉट द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ दैट टाइम? हम किसी भी पीरियड को केवल एक रिलीजन के बेस पर डिवाइड नहीं कर सकते। टू डू सो, सो इट सजेस्ट दैट द लिव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। और अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर एक रिलीजन अपनी जो फेथ है, बिलीव्स हैं, उनको बताता है तो दूसरे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरह की बात हम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशेंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। बल्कि राजाओं का भी सेम रिलीजन नहीं था, अलग अलग राजाओं का अलग अलग रिलीजन था एक ही टाइम पर। तो हम जेम्स मिल के इस डिवीजन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इस वीडियो में हम इतना ही ये चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो, मतलब इस चैप्टर के दो तीन पार्ट जो बनेंगे उनको आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा।